फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक के अनुपात समानुपात चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें टाइप थ्री के हम लोग 83 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 84 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 84 क्या कहता है। ऐसी दो संख्याएं पता करो जिनका मध्य अनुपात 16 और तृतीय अनुपात 10/24 है। तो दो को संख्या का मध्य अनुपात क्या होता है, एक्स बराबर होता है रूट अंडर ए इंटू बी। ठीक है, हमको मध्य अनुपात दे रखा है कितना, 16। तो मध्य अनुपात x के जगह पे 16 बराबर ए बी, अगर ए बी निकालेंगे तो ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर में आएगा। ओके, यानी कि ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि किसका ऑप्शन जो है 256 पूरता है। लास्ट में क्या है, दो को संख्या को जोड़ने पे 256 होना चाहिए। चार और दो को जोड़ेंगे तो चार दूना आठ होगा, लेकिन लास्ट में छः लाना है। चार चौका 16, इसमें 6 आ रहा है, 8 चौका 32 इसमें भी नहीं आ रहा, ना ये होगा ना ये होगा, और 8 दूना 16 यानी कि या तो 2 होगा या तो 4 होगा ऑप्शन। ओके, अब देखिए क्योंकि दोनों में हमको 256 हो रहा है, 64 को 4 से गुना करेंगे तो भी 256 होगा, 32 को 8 से गुना करेंगे तो भी 256 आएगा। ठीक है, तब हमको क्या है कि अब एक बार और ऑप्शन चेक करना होगा कि कहीं 4 भी तो आंसर हो सकता है। तो तृतीय अनुपात दे रखा है, तृतीय अनुपात क्या होता है, ए बाई बी बराबर बी बाई, यहाँ तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात कितना है 10/24। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो बी स्क्वायर, बी को बी से तो बी स्क्वायर बराबर 10/24 इंटू में ए है तो ए। ठीक है, बी स्क्वायर ये ए को अगर हम लोग इधर करते हैं, ठीक है, तो ए बट्टा में ए सॉरी बराबर 10/24। ओके, ये हो गया तृतीय अनुपात। अब कुछ नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे पुट कर लेंगे, एक दो नंबर ऑप्शन जो है सो क्या है, 4 64, बी के जगह पे 64 डालना है तो 64 गुना में 64 बट्टा में 4, 4 से इसको काटेंगे 16 चौका 64, 16 को 4 से गुना करने पे 10/24 आएगा, तो दो नंबर ऑप्शन मेरा सही है। अगर नहीं आएगा तो चार नंबर ऑप्शन चेक कर लेंगे, 16 चौका 64 के 4, 16 6 96 और 6 102, 10/24 आ गया, सो राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर। ठीक है, समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 85, यदि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी 1 2 3 है तो a प्लस डी रेशियो सी का मान बताना है। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी बराबर कितना दे रखा है, 1 2 3। मतलब क्या है कि a और b घटाया तो 1 आया, B और C घटाया तो 2 आया, C और D को घटाया तो कितना आया, 3 आया। अगर हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग 7 ले ले और यहाँ पे 6 ले ले, 7 में से 6 घटेगा तो 1 आएगा। ठीक है, अगर B का वैल्यू 6 लिए तो यहाँ तो 6 लेना ही होगा। अब हमको B में से कुछ ऐसा संख्या घटाना होगा कि C का वैल्यू कितना आ जाए, घटाने पर 2 आ जाए। तो C का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2, C का वैल्यू 4 लिए तो 4, D का वैल्यू कितना लाना है, 3, तो 1 लेना होगा क्योंकि 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। मतलब क्या कि हम लोग यहाँ से एक अपने मन से एक डाटा फाइंड कर लिए ए बी सी डी का कि 7 और B 6, फिर दूसरा में B 6 है तो तीसरा में C कितना है, 4 है, C कितना है, 4 है, तो D कितना है, 1 है। यानी कि ए बी सी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू। अब यहाँ पे मेरा डाटा भी है जो सेटिस्फाइड कर रहा है कि 7 में से 6 घटाने पे 1 आता है, 6 में से 4 घटाने पे 2 आता है, मतलब बी माइनस सी दोनों को घटाने पे 2 आएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो ये वाला डाटा इधर आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो ये डाटा, इधर कुछ नहीं तो ये, और इधर कुछ नहीं तो ये, 4 4। हमको बताना क्या है, ए प्लस डी रेशियो सी, ए प्लस डी रेशियो सी, तो हम उसी का काम करेंगे, ए और डी का ही काम करेंगे। तो ए इधर वाला है तो देखिए 6 चौका 24 गुना में 7 और प्लस है तो प्लस, डी करना है, डी का देखिए 6 चौका 24 और एकम 24, तो यहाँ 24 से रहेगा,
रेशियो। अब सी का वैल्यू, तो सी वाला यहाँ है, छः चौका 24 गुना में चार कर लेते हैं, छः चौका 24 गुना में, देखिए 6 गुना में 4 24 और 4 को 4 गुना कर लिए। इस दोनों में से अगर हम लोग 24 को कॉमन लेते हैं तो 24 यहाँ बचेगा 7 और यहाँ 24 निकल गया कॉमन, तो 1 रेशियो है, तो रेशियो 24 गुना में 4, 24 से 24 कट जाएगा, 7 और 1 8 रेशियो 4, 4 एकम 4 दुना, यानी कि रेशियो कितना का हो जाएगा, 2:1 का। देखिए ऑप्शन में 2:1 है क्या, 2 नंबर, ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 86 एक्स वाई जेड बराबर 358 है तथा 9y-2x प्लस जेड का x 41 हो तो y का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। एक्स वाई जेड कितना है, 358, ओके, हमसे पूछा है 9y+2x+z=141, तो y का मान बताना है, तो यहाँ पे सबके साथ एक कांस्टेंट ले लेते हैं k, ठीक है। चलिए जहाँ पे है वहाँ पे y के जगह पे उतना पुट करेंगे, तो 9 × y का वैल्यू कितना है, तो 5k, तो 5k, 2 × x का वैल्यू कितना है, 3k, तो 3k, जेड का वैल्यू कितना है, 8k, तो 8k बराबर 141, 9 × 5 = 45, 3 × 2 = 6 और 8, 8 × 6 = 14 और 45 कितना हो जाएगा, 59 × 10 = 69, 69k बराबर 141, ठीक है। अगर k का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ा हुआ सही है ना, देखिए यहाँ पे माइनस में 2x था, यहाँ पे माइनस में 2x था ना कि प्लस में था, सॉरी, ठीक है। 9 × 5 = 45 और 5 × 50 = 53 में से 6 जाएगा, तो 53 में से 6 जाएगा तो 47 बचेगा, ठीक है, 47, तो 47 से ये कटेगा, 7 × 3 = 21 तीन बार में, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब हमसे क्या पूछा है, y का मान बताना है, तो y कितना है, देखिए 5k है, तो 5 × k का वैल्यू 3, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15, एक नंबर। आगे बढ़ते हैं 87। 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपात क्या होता है, तीसरा अनुपात होता है a/b = b/c, ओके, यहाँ से बी बी को देखिए, यहाँ पे आपको तृतीय अनुपात, ये सी जो होता है इससे तृतीय अनुपात हो जाएगा, सी निकालना होगा तो क्या करना होगा, b² / a, बी स्क्वायर मतलब क्या, दूसरा वाला को बी मानेंगे, बी दो 20 का स्क्वायर, तो 20 गुना में 20 लिख लेते हैं दो बार, और नीचे में ए का वैल्यू हो जाएगा 10, बी 10 से 10 कट गया, तो 20 गुना में तो कितना हो जाएगा, 40, यानी कि तीसरा जो अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40। आगे बढ़ते हैं, देखिए 88। a-b, देखिए अभी यह सेम प्रश्न है आपका, ये 85 नंबर का ये सेम टू सेम प्रश्न है जिसका 2:1 आया था, ठीक है। तो 85 नंबर प्रश्न देखिए आपका 88 बन जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं 89। 3p = 5q = 15r, तो पी क्यू आर क्या होगा, आपसे पूछा है पी क्यू आर बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों में लेंगे, ठीक है, तो पी का वैल्यू होगा जो क्यू का कोफिशेंट होगा 5 और क्यू का वैल्यू होगा जो पी का कोफिशेंट होगा 3, यानी कि पी 5 होगा तो क्यू 3 होगा, ओके, ये हो गया फर्स्ट। अब दूसरा कंडीशन इस दोनों में लेना है, ठीक है, एक छोड़कर, 5 में 5 क्यू और 15 क्यू में क्यू का वैल्यू होगा जो आर का कोफिशेंट होगा 15 और आर का वैल्यू होगा जो पी का कोफिशेंट होगा 5, इसको काट भी सकते हैं, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, यानी कि 3 × 5, तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, रेशियो बने इधर कुछ नहीं है तो 3, इधर कुछ नहीं तो ये 3, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 3, 5 यानी कि 5 × 3 = 1, देखिए ऑप्शन में दो नंबर ऑप्शन 5 × 3 = 1, ओके। आगे 90। a/2 b/3 और a/c/4 हो तो a+b+c/b का मान बताना है, तो बट्टा में है तो a का वैल्यू वही होगा, b का वैल्यू भी वही होगा, c का वैल्यू भी वही होगा जो उसके हर में है, ठीक है। तो a+b+c नीचे वाले सबको जोड़िए, 4 × 3 = 7 और 2 = 9 डिवाइड बाई बी, बी कितना है, 3, 3 × 3 = 9, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3, एक नंबर। आगे बढ़ते 91। p का
पी का 4/3 बराबर है क्यू का 2/3 के, तो पी रेशियो क्यू बताना है, पी रेशियो क्यू बताना है। ठीक है, अगर हम लोग बट्टा में लाएंगे तो ये 4, देखिए पहले इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ओके, यानी कि P/3 तो ये रहेगा ही रहेगा। इस 2 को इधर लाते हैं तो Q के क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, Q के बट्टा में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3 दूना 6, यानी कि P का वैल्यू 1 तो Q का वैल्यू 2, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, यानी कि 1:2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1 नंबर। ओके आगे बढ़ते हैं, 92। यदि 5/4P बराबर 2/3Q, 3/4R, तो PQR बताना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले 3 4 3 4 3 का एलसीएम लेते हैं तो 12 आएगा, सबको 12 से गुना कर लेते हैं क्योंकि ये सिंपली फॉर्म में हो जाए। 4 3 आई 3 4 4 3 आई, हमको बताना है PQR। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15P, 4 2 8Q और 3 3 9R। सबसे पहले इस दोनों में P का वैल्यू होगा जो Q का कोफिशियंट होगा 8, और Q का वैल्यू होगा जो P का कोफिशियंट होगा 15, यानी कि 8 और 15 हो गया। अगर अब इस दोनों में लेते हैं तो Q का वैल्यू होगा जो Q का होगा 9, और इसका वैल्यू होगा जो Q का होगा 8, ये R का कोफिशियंट इधर Q का, यानी कि यहाँ हो जाएगा Q के जगह पे कितना हो जाएगा 9, Q के जगह पे 9 और इसके जगह पे 8 हो गया। चलिए यहाँ कुछ नहीं तो 9, यहाँ कुछ नहीं है तो 15, 9 8 72, 15 9 135, 15 8 120, कटने वाला है तो काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 24 3 72, 3 4 12, 1 5 3 15, 40 3 120, 24 45 40, देखिए ऑप्शन में है क्या, 24 45 40, 1 नंबर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, 93। 6 और 12 के तीसरा अनुपात बताना है, तो तीसरा अनुपात क्या होता है, सी सी या कर सकते हैं, यानी कि B² बी कितना हो जाएगा, 12 गुना 12, और बट्टा में ए 6 दूना 12, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 94। 2 ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिसका मध्य समानुपाती 18 और तृतीय समानुपाती 144 है। तो मध्य समानुपाती यानी कि ए इंटू बी बराबर कितना दे रखे है, 18। यहाँ से ए बी निकालेंगे तो ये रूट इधर आएगा, रूट आएगा तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। ओके फिर क्या कहा है कि तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात सी दिया हुआ है तो सी होता है B² यानी कि B² / AC। अब देखिए हमको नहीं पता है, होता है B² / A। ठीक है, अब तीसरा अनुपात दे रखा है, सी का वैल्यू कितना, 144, तो 144। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन से देखेंगे एक चीज़ कि किसको किसको गुना करने पे हमको 324 प्राप्त हो रहा है। अगर 6 दूना 12 हो रहा है, देखिए ए और बी का हमको वैल्यू पूछा है कि ऐसी दो संख्याएं, मतलब कि ए और बी बताना है, तो देखिए कि ऑप्शन में जिसको गुना करने पे हमको 324 पुर जाए, तो 6 दूना यहाँ 12 पुर रहा है, 9 चौका 36, ये पुर रहा है 4, 8 चौका 18 54 होता है, 12 छक 72 होता है, राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, कि 9 और 36 को जब गुना कीजिएगा तो 324 आएगा, 9 छक 54 के 4, 9 3 27 और 5 32। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 9 और 36, और कुछ करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ओके आगे, 95। 6A 4B 9C हो तो ABC बताना है, बहुत आसान है, 6A 4B 9C। फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों इक्वेशन में ए का वैल्यू होगा 4, तो बी का वैल्यू क्या होगा, 6। अब इस दोनों इक्वेशन में बी का वैल्यू होगा 9, तो सी का वैल्यू होगा 4। चलिए एक कितना था, 4, दूसरा बार में बी कितना था, 6, अभी बी कितना है, 9, तो सी कितना है, 4 हो गया, यहाँ 6 यहाँ 9, 9 चौका 36, 9 छक 54, 6 चौका 24, काट लीजिए 3 से, 12 3 36, 18 3 54, 6 8 3 24, फिर कटेगा 6 9 4,
देखिए 694, 694 दो नंबर। आगे बढ़ते हैं 96, 10 और 25 के तीसरा अनुपाती, तीसरा अनुपाती क्या होता है, सी बराबर बी स्क्वायर बाई सी, सॉरी बी स्क्वायर बाई ए, बी कितना है 25, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 बटा में ए यानी कि 10, तो 62.5 हो जाएगा। आगे 97, ए बाई सॉरी 4/5 ए, 3b और 2/3 c। हम लोग इसके बट्टा को, हर को हटाना है या फिर अंश को हटा दीजिए, ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी हटा सकते हैं। अगर हर को हटाइएगा तो फिर यहाँ से ए बी सी का वैल्यू आपको निकालना होगा, अगर अंश का हटाइएगा तो ए बी सी निकालना नहीं पड़ेगा। जैसा कि हम लोग इस बार जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग क्या करते हैं, अंश को हटाते हैं। 4 3 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 4 3 2 कैल्शियम हो जाएगा 12, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबको 12 से भाग करेंगे, सबको क्या करेंगे 12 से भाग, तो 1/12 1/12 से गुना करते हैं, ठीक है। यहाँ भी करेंगे 1/12 से और इसमें भी करेंगे 1/12 से। हम अंश का हटा रहे हैं, 4 3 12, 3 4 12, 2 6 12, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 3 15, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा सीधा 4, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 3 18। बस यहाँ पे ए का वैल्यू 15, बी का 4, सी का 18, 15 4 18 हो गया आपका राइट आंसर, 3 नंबर ऑप्शन, 15 4 18, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, ओके। आगे बढ़ते हैं 98, XYZ 3 4 5 हो तो XYY YYZ ZY X निकालना है, तो कुछ नहीं है, X के बट्टा में Y डालिए, Y के बट्टा में Z डालिए, Z के बट्टा में X डालिए, ओके। तो देखिए X कितना है 3/4 रेशियो, 4/5 रेशियो, 5/3, सबको डाल दिए X के जगह पे X, Y के जगह पे Y, यहाँ से XYZ का वैल्यू पुट किए। नीचे वाले को हमको हटाना है 4 5 3, क्योंकि हर में नहीं है, सब फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं है, ठीक है, तो हटाना है 5 4 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 60, सबको 60 से गुना कीजिए, 4 से 15 चौका 60, तो 15 3 45 रेशियो, 5 से 12 5 60, तो 12 चौका 48 रेशियो, 3 से 20 3 60, तो 20 25 100, यानी कि 45 48 100, 45 48 100, ओके। आगे 99, एक्स वाई वाई 1 3, एक्स रेशियो वाई जो दे रखा है 1:3 है, हमसे पूछा है 3x² तो 3 × y² वाई कितना है 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3x² एक्स का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं रहेगा, रेशियो है तो रेशियो, ठीक है। 2 × y² वाई कितना है 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस में 8 है तो 8 ही रहेगा, 9 3 27 और 3 30 रेशियो, 9 2 18 माइनस 8 तो 10, 1 0 6 0 यानी कि 3:1, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 100, p का वैल्यू 4/7 भाग q के 12/14 भाग के बराबर है, तो p और q बताना है, p का 4/7 बराबर है q के 12/14 के, कुछ नहीं करना है, 7 2 14 4 3 12, ये 3 को इधर ले आइए, तो p/3 बराबर q/2, तो बट्टा वाला जो होता है उसका वही वैल्यू होता है, तो p के बट्टा में 3 है तो 3 होगा और q के बट्टा में 2 है तो 2 होगा, यानी कि pq का मान कितना हो जाएगा 3 2। आगे बढ़ते हैं 101, यदि p और q बराबर 9 7 है, p-q रेशियो p+q का मान क्या होगा, पी रेशियो क्यू का वैल्यू 9:7 है, ठीक है, पी माइनस क्यू पहले इस दोनों को घटाना है, 9 में से 7 जाएगा 2 और पी प्लस क्यू, 9 और 7 कितना होता है, पी प्लस क्यू 9 और 7 16, 2 1 2 8 यानी कि रेशियो कितना जाएगा 1 8 दो नंबर। आगे बढ़ते हैं 102, यदि एक्स का वैल्यू 3/5 बराबर है y के
चार बट्टा नौ के, तो एक्स रेशियो वाई बताना है। क्या करिएगा, ये चार को इधर आने देंगे, ये तीन को इधर जाने देंगे, ठीक है। तो एक्स बट्टा में ये चार इधर आएगा तो पाँच पहले से चार आएगा तो पाँच चौका बीस हो जाएगा, वाई बट्टा में नौ है पहले से तीन आएगा तो नौ तीस सत्ताईस हो जाएगा, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा, बीस रेशियो सत्ताईस, बीस सत्ताईस तीन नंबर। आगे बढ़ते हैं, 103, 3/2x बराबर 5/7y बराबर 6y 5z हो, तो एक्स वाई जेड हमको बताना है, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड हम लोग अंश को इसमें हटा देते हैं क्योंकि हर जो रहेगा वही उसी का वैल्यू होगा, ठीक है। तो हम लोग अंश हटाते हैं, पाँच तीन छः कैल्शियम कितना आ जाएगा, तीस, सबको तीस से गुना कर दीजिए। ऊपर वाले कैल्शियम लिए पाँच तीन और छः का, सबको तीस से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, सॉरी तीस नहीं, वन बाई तीस से, सॉरी वन बाई थर्टी से गुना कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, तीन दहाई के तीस, छः पचे तीस, छः पचे तीस, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, दस दूना बीस, वाई कितना हो जाएगा, सात छक बयालीस, और जेड कितना आ जाएगा, पचा पच्चीस। मतलब क्या कि बट्टा ही वाला उसका वैल्यू होता है जो डिजिट है ऊपर में, तो एक्स का वैल्यू बीस, बी का वाई का बयालीस और जेड का पच्चीस, बीस बी सॉरी बीस बयालीस पच्चीस, देखिए कहाँ है, बीस बयालीस पच्चीस चार नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 104, ए बी सी दो तीन पाँच है, सी डी दो पाँच है, ए डी क्या होगा, हमसे पूछा है कि ए डी क्या होगा, ए बी सी दो तीन पाँच, इसमें एक डी भी है और सी डी कितना है, दो पाँच, तो सी के नीचे लिखेंगे दो और डी के नीचे लिखेंगे पाँच, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो ये पाँच आएगा, इधर कुछ नहीं तो ये दो इधर बढ़ा दीजिए, हो गया। दो दूना चार, तीन दूना छः, पाँच दूना दस, पचा पच्चीस, हमको बताना है ए रेशियो डी। तो ए का वैल्यू कितना है, चार, रेशियो डी का वैल्यू कितना है, पच्चीस, तो चार पच्चीस हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 105, एक्स रेस प्लस वाई, एक्स माइनस वाई तीन दो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, देखिए इसको हम लोग इस प्रकार में लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई बराबर 3/2, क्रॉस गुना करेंगे तो 2x प्लस 2y 3x माइनस 3y, एक्स इधर लाएंगे तो माइनस का x, y उधर जाएगा तो माइनस का 5y, माइनस से माइनस, x का वैल्यू होगा जो y का कोफिशियंट होगा, y का वैल्यू होगा जो x का कोफिशियंट होगा, यानी कि x और y कितना हो जाएगा, 5:1। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस दोनों को जोड़ के लिखना है, पाँच का स्क्वायर पच्चीस और एक का स्क्वायर एक रहेगा, और रेशियो है तो रेशियो। दूसरा कंडीशन इसी को घटा के, तो पाँच का स्क्वायर पच्चीस माइनस एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, पच्चीस और एक छब्बीस रेशियो, पच्चीस में से एक जाएगा तो चौबीस, ये बारह दूना चौबीस, ये तेरह दूना छब्बीस, यानी कि तेरह बारह दो नंबर। आगे बढ़ते हैं, 106, 10.8 एवं 4.8 के मध्य समानुपाती एवं दो तथा चार के तृतीय समानुपाती का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमको मध्य समानुपाती निकालना है, तो मध्य समानुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू बी, ओके। तो एक्स स्क्वायर बराबर ए कितना दे रखा है, 10.48 इंटू में 4.8, अगर यहाँ से एक्स निकालेंगे तो ये रूट में चढ़ेगा, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे में एक, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे में एक, ओके। एक्स बराबर, अगर इसको हम लोगों को यहाँ से रूट से बाहर निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमको क्या पूछा है कि इस दोनों का योग्यफल, ऊपर वाला जो आएगा उसका और नीचे वाला आएगा उसका योग्यफल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, 108 को 12 अठे 96, 12 को लिख सकते हैं 6 गुना में 2 गुना में 4 गुना में 4 दुना 8, 8 छक 48, 48 दुना में 12 अठे 96, 12 नवा 108 होता है, सॉरी 12 गुना में 9, 12 नवा 108, गुना में 48 को लिख सकते हैं 8 गुना में 6, 48 को लिख सकते हैं 12 गुना में 4, 12 चौक 48, ठीक है, 12 गुना में 4, अब बट्टा में 100 है तो 100,
देखिए यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 1 12 2 12 के बदले 1 12, 1 9 के बदले 3 और 1 4 के बदले 2, अब बट्टा में 100 के बदले 10, 12 3 36 2 72 यानी कि 7.2 आ गया रूट से बाहर। ओके, अब हमसे पूछा है दूसरा क्या कि 2 तथा 4 के तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात यानी कि सी निकालना है, तो सी क्या होता है बी स्क्वायर बट्टा में ए, बी स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर, तो 4 गुना में 4 बट्टा में ए यानी कि 2, तो 2 बार में तो 4 2 8 यानी कि तृतीय अनुपात ये निकल गया, हमको इसी का योग्य बताना है 7.2 × 8, तो 8 7 15.2 इसका हो जाएगा योग्य। देखिए 15.2 एक नंबर, ठीक है आगे बढ़ते हैं 1.08 एवं 3.2 के मध्य अनुपाती एवं 5 और 3 के तृतीय अनुपाती के मध्य अनुपाती क्या होगा ये हमको बताना है। प्रश्न दोनों सेम है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहले हमको समानुपाती बताना है, मध्य, मध्य क्या होता है x बराबर रूट अंडर होता है, रूट अंडर 1.8 × 3.2, ये पॉइंट हटाएंगे 10, ये पॉइंट हटाएंगे 10, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, 32 को लिख सकते हैं 16 × 2 बट्टा में 100, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4 और 2 के बदले 1, 4 3 12 2 24 और 1 अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो 2.4 यहाँ पे आएगा ना, 100 के बदले 10 रूट के बाहर, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 2.4। अब हमको 5 और 3 का तृतीय अनुपात निकालना है सी, तो 5 और 3 का कितना होता है बी स्क्वायर, बी कितना है 3 3 का स्क्वायर 9 और बट्टा में 5, इसको अगर हम लोग पॉइंट में करेंगे तो 5 एकम 5 0.408 5 40, इसी दोनों का अनुपात हमको बताना है कि मध्य का अनुपात क्या होगा ये हमको बताना है, यानी कि 2.4 अनुपात 1.8, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 9 2 18 ये 12 2 24 3 4 12 3 3 9 4 3 2 नंबर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ से जो है आपका 4 टाइप स्टार्ट हो रहा है, टाइप 4 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।